Hi all of you. Concluding part of the chapter, we begin now the HO theory, the modern theory of international trade. I have already put down whatever we require to study in this particular session on board. On our right hand side, there are flaws or limitations of the Heckscher-Ohlin theory. The first limitation of the Heckscher-Ohlin theory is unrealistic assumption. Heckscher-Ohlin theory ko प्रोपाउंड किया गया था, बनाया गया था डेविड रिकार्डो की रिकार्डियन थियोरी को ओवरकम करने के लिए, उसके बेस को इम्प्रूव करने के लिए. लेकिन कहीं ना कहीं इन इटसेल्फ द हेक्शर-ओलिन थियोरी आल्सो हैज अ लॉट ऑफ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. ओके, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक हो गया, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दो हो गया, ट्रेड बैरियर्स तीन हो गया, है ना, टू कंट्रीज टू कमोडिटीज टू फैक्टर्स डज नॉट वर्क. कोई भी दो कंट्री दो कमोडिटीज में ही ट्रेड नहीं करते, मल्टीपल ट्रेडिंग होता ही है. सो जस्ट लाइक रिकार्डन थियरी अगेन हेक्शर-ओलिन थियरी इज स्टैटिक इन नेचर. इट इज बेस्ड ऑन अ स्टैटिक इकोनॉमी विथ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लिमिटेड नंबर ऑफ कमोडिटीज दैट इट प्रोड्यूसेस. इफ देर इज अ शिफ्ट, like India went from being an agricultural economy to suddenly being a service economy, Heckscher-Ohlin theory will not be able to explain India's position in the new scenario. So it's a static theory in nature. You're talking about, if you remember, if you go back to the previous video, check out the whole video, we are talking only about supply. Two factor hai, two commodities hai, country itna banata hai, factors of production itne available hai. हम लोग ने सब कुछ कंसिडर किया है, बट हम लोग ने सिर्फ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया है, हम लोग ने डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर ही नहीं किया. अगर अपना देश क्लॉथ बनाता है लेकिन अपने देश के क्लॉथ की डिमांड ही नहीं है बाहर, तो हाउ विल द इंटरनेशनल ट्रेड सिनेरियो वर्क देन इन दैट केस. सो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द हेक्शर-ओलिन थियरी. हेक्शर-ओलिन थियरी अपने को ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी कंट्री क्या ट्रेड करेगा. ओके, डिपेंडिंग ऑन उसके पास कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हैं और कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे. लेकिन एज द टाइम चेंजेस डिमांड सिनेरियो चेंजेस, डिमांड्स चेंज होते हैं, बट वो डिमांड के बारे में हेक्शर-ओलिन ने कभी कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया. हेक्शर-ओलिन थियरी जो है ना वो सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, लेकिन डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू का क्या, वॉट विल यू थिंक ऑफ इट फ्रॉम द डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट इज समथिंग विच इज टोटली निग्लेक्टेड बाय द हेक्शर-ओलिन थियरी. डिमांड कंडीशन निग्लेक्ट होती है. लियोन टी एफ पैराडॉक्स, WW शायद लियोन टी एफ उनका नाम था, इकोनॉमिस्ट है यूएसए के. उन्होंने यूएस इकोनॉमी पे हेक्शर-ओलिन थियरी अप्लाई किया. ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जो यूएस है ना, यूएस कंट्री, यूएस का पॉपुलेशन इंडिया और चाइना से कम है, तो यूएस इज कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर स्कैर्स. कैपिटल अबंडेंट है यूएस, मतलब यूएस के पास कैपिटल बहुत है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेबर स्कैर्स है. ठीक है ना, लियोन टीएफ ने जब यूएस इकोनॉमी को स्टडी किया तो लियोन टीएफ ने ये बोला कि क्योंकि यूएस इकोनॉमी ऐसी है जहां पे कैपिटल इंटेंसिविटी ज्यादा है, कैपिटल फैक्टर्स लेबर फैक्टर से ज्यादा है, दैट मीन्स आइडियली यूएस शुड डू वॉट, यूएस शुड प्रोड्यूस and export capital and import capital intensive goods या commodities, है ना. यहां पे import labor intensive goods और commodities. लेकिन यूएस का जो बीओपी है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिनेरियो, वो कुछ और ही दिखाता था. वो ये दिखाता था कि यूएस जितना कैपिटल एक्सपोर्ट नहीं करता ना, उससे कई ज्यादा लेबर एक्सपोर्ट करता है. दैट इज अ पैराडॉक्स. लेबर इंपोर्ट करने के बदले आप लेबर एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, दैट इज अ बिग 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 पैराडॉक्स. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वॉज चेंज. लियोन टीएफ ने खाली हेक्शर-ओलिन थियरी को आइधर प्रूव या आइधर डिसप्रूव करने के लिए ये सिनेरियो हाइपोथेसिस जिसको अपन बोलते थे वो लिया है. ही सेड दैट आइडियली दिस शुड हैपन, बट इन रियलिटी यूएस एक्सपोर्ट्स मोर ऑफ लेबर प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट्स कैपिटल प्रोडक्ट्स. ठीक है,
When you study US economy in detail, you will realize the fact that this is true. US exports labor and imports capital. However, there is a catch. There is a big condition. US exports highly trained, skilled labor. And imports low quality capital goods. When you study US economy in detail, this is what you will understand. Heckscher-Ohlin theory apply nahi hota, but this is it's a segmentation. Okay, superb. Correct, all of you. Then we come down to other factors which are neglected. We are talking about only two factors, labor and capital, but geographic location, factor endowment, matlab yani ki aapke paas kaun se soil, kya kya available hai, raw materials kaun se available hai, minerals kya kya available hai, natural factors kaun se available hai, aapki technology kis taraf daud rahi hai. To two factor mein hum log do hi factor lete hai, lekin इकोनॉमिस्ट्स का कहना यह है कि कैपिटल में सारा फैक्टर आ गया, तो टेक्नोलॉजी का क्या? सो इट निग्लेक्ट्स अदर फैक्टर्स इन डिटेल. सो अदर फैक्टर्स आर निग्लेक्टेड एंड फाइनली कमोडिटी प्राइसेस आर निग्लेक्टेड. सी आई वांट टू एक्सपोर्ट समथिंग, राइट? बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई अर्न मनी आउट ऑफ इट. मैं क्लॉथ बना रहा हूं, अगर आप लोगों को प्रीवियस एग्जाम्पल याद है, मैं एज अ कंट्री क्लॉथ बना रहा हूं, लेकिन क्लॉथ का कोई प्राइस ही नहीं है, है ना? So it will create a problem. I would not want to manufacture cloth. I would also want to manufacture wine, because wine is fetching me more price. Hai na? So commodity prices are neglected by the Heckscher-Ohlin theory. Before deciding country A will produce wine and country B will produce cloth, you also have to take into account what is the price of wine and what is the price of cloth. Then you will take into account wo wala jo apan kya padhte the, wo kya bolte usko? Wo hota hai na, jab aap best option choose karte ho, सेकेंड ऑप्शन इग्नोर करते हो, फिर सेकेंड ऑप्शन से जो आपका लॉस होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना? तो देन यू विल कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फाइनली कम एट व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट यू वांट टू इंपोर्ट और डू द फॉलोइंग, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द हेक्शर-ओलिन थियरी. नाउ इफ यू लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर बोर्ड, आई हैव रिटन डाउन समथिंग कॉल्ड एज इंटरडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स. According to Heckscher-Ohlin theory, ये last part है chapter का. Heckscher-Ohlin theory के हिसाब से जो पूरा का पूरा international trade scenario या trade scenario होता है ना, वो general equilibrium पे होता है. Okay? And general equilibrium theory is dependent on demand and supply. ठीक है? So basically there is a great interdependence among all the factors of production, है ना? So we are going to talk about general equilibrium theory based on the concept of demand and supply. ठीक है, मैंने यहां पे दो चीजें लिखी हुई है, price of a commodity and price of the factor. ठीक है, price of a commodity is impacted by two things. एक होता है demand, और दूसरा होता है सप्लाई. डिमांड डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ पीपल, एंड अदर फैक्टर्स. Income of people depends upon the nature of their resource factor. ये हम लोग ने 12th standard में पढ़ा है, land, labor, capital, है ना? तो जो demand of a commodity होता है वो depend करता है income of people पे और बाकी सारे factors पे. Income of people जो होता है ना, income of people जो होता है वो डिपेंड करता है कि ये पीपल क्या ओन करते हैं.
If I own a house, then my income will be different. If I'm a teacher, then my income will be different. If I'm an entrepreneur, then my income will be different. So it depends on the factors of production and their nature owned by this particular people. Supply depends on production, cost. अगर किसी चीज का cost of production ज्यादा है तो चीज की supply थोड़ी कम हो सकती है. And factors available, कौन से factors हमारे पास available है, right? ये जो factors है, ये these are this particular factors. Demand for factors is a derived demand. So when we talk about the price of a factor depends upon the demand of a factor, and this demand is a derived demand. Because we do not demand the factor. हम लोग factor को demand नहीं करते, factor of production को demand नहीं करते, हम लोग quantity को demand करते, sorry commodity को demand करते, हम लोग goods को demand करते. जब ये goods की demand बढ़ेगी या घटेगी तो अपने आप इससे related factors of production की demand बढ़ेगी या घटेगी. जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, इवेंचुअली ये सर्कल घूमते रहता है. इफ यू कैन इमेजिन व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंपैक्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड इज इंपैक्टेड बाय पीपल्स इनकम एंड अदर फैक्टर्स लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. पीपल्स इनकम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स दैट दे हैव, हाउ डू दे अर्न मनी, whether they have a lot of factors of production or whether they have scarce factors of production, skilled labor, unskilled labor, technologically advanced, obsolete, so on and so forth. Nature of factors of production will determine how much money people earn. The more they earn, the more is the demand. Supply depends on the cost of production. The lesser the cost, the more is the supply. It also depends upon what are the factors available in a particular country, right? The price of a factor depends upon the demand of that factor, but the demand of that factor is a derived demand. Factor is not demanded directly, it is demanded indirectly because the goods are required in order to make the goods that factor is required. And because we require that factor, then it will impact the price of that particular factor. Heckscher Ohlin ne yahan pe ek cheez add ki, unhone ye kaha ki jab hum log ye study karte hai na, तो हम टाइम सिनेरियो को कैलकुलेट कर लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम, बट वी फॉरगेट द स्पेस सिनेरियो. उनका कहना यह है कि ये जो चीज है ना, डिमांड सप्लाई, इट कैन बी अप्लाइड इन एनी कॉन्टेक्स्ट. स्पेस कैन नॉट बी अ लिमिटेशन टू इट. फॉर एग्जांपल, मैं जो मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड, सपोज फॉर एग्जाम्पल, चलो एक बात बोलता हूं, इंडिया में कॉल सेंटर्स बहुत है, दैट मींस वहां पे क्वालिफाइड लोग एज कस्टमर असिस्टेंट्स वर्क करते हैं, पर उनको फोन जिस कस्टमर का आता है वो इंडियन नहीं होता है, वो कहां का होता है, वो यूएस का होता है, यूके होगा, ऑस्ट्रेलिया का होता है, ठीक है. वहां के बंदे को कस्टमर हेल्प की जरूरत है, मतलब वहां पर कोई चीज रिक्वायर्ड है, कस्टमर असिस्टेंस की जरूरत है. वो चीज को सॉल्व करने के लिए उनके पास वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, उनके पास स्किल लेबर है, हाईली स्किल्ड लेबर, लेकिन मिडिल क्वालिफाइड लेबर नहीं है. तो वो लोग वो लेबर लेने कहां आते हैं, इंडिया में आते हैं. इंडिया से वो लेबर वहां जाता है, ज्योग्राफिक बाउंड्रीज को छोड़ के. दिस इज व्हाट हेक्शर ओलिन वांटेड टू एक्सप्लेन, दिस इज व्हाट बर्टिल ओलिन, हेक्शर ओलिन थियरी के थ्रू बर्टिल ओलिन वांटेड अस टू एक्सप्लेन दैट ये जो पूरा चार्ट है ना, ये स्पेस का मोहताज नहीं है. Geographic boundaries can be crossed as time boundaries are crossed. ठीक है, so space constraints, geographic understandings have also be taken into consideration, and that's how modern theory or HO theory works more clearly, or any trade theory for that matter works more clearly when we start understanding this. It means मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत दुनिया में कहीं भी हो सकती है. दिस इज बिकॉज दुनिया में कहीं भी उस गुड्स की या उस सर्विसेज की जरूरत हो सकती है जिनको बनाने के लिए मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, वहां पे उस गुड्स की जरूरत है, उस सर्विसेज की जरूरत है, इसीलिए मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए.
वहां पे वहां के लोग उतना स्पेंड कर सकते हैं, उनके पास पैसा है स्पेंड करने के लिए, लेकिन शायद उस फैक्टर की सप्लाई नहीं है जैसे हम लोग ने अमेरिका के केस में या वेस्टर्न कंट्रीज के बीपीओ वाले कॉल सेंटर वाले केस में देखा. राइट ऑल ऑफ यू. सो आई होप इट हैज क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट एज फार एज द हेक्शर-रोलिन थियरी इज कंसर्न. एट द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू टेल यू कि देर इज अ स्पेसिफिक चार्ट which shows us the differentiation between the comparative cost theory, absolute cost theory and Heckscher-Ohlin theory. You can go through that particular chart. You can see that chart. That chart might be available for download in a few days on our website www.graduateguru.in. Okay. Or we will put it across as a link and you can download it from there. This is the most basic concept that I had to cover in Heckscher-Ohlin theory. Mind you, Heckscher-Ohlin theory is much more deeper. If anyone of you is interested in studying economics at a deeper level, I request you to go back to look at the Leontief paradox, to look at the Heckscher-Ohlin theory. We have covered entire concepts. The questions that can come from this particular chapter are questions like the limitations of the Heckscher-Ohlin theory, the assumptions of the Heckscher-Ohlin theory, and the explanation of the Heckscher-Ohlin theory with the help of example. Right? So these are the questions that we covered. With this, we come to the end of this particular chapter. Meet you at the beginning of chapter 3. Thanks.